नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, जो क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करी हुई हैं आप उनको रेफर कर सकते हैं. हमारी प्रीवियस टू क्लासेस में मैंने आपको समझाया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, आपके जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तीन तरह के हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रॉमिसरी नोट. इसके लिए मैंने एक मॉडल क्रिएट किया है जिससे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा. मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिस्टर ए ने गुड्स सेल करे हैं 1500 रुपीज के टू मिस्टर बी. अब मिस्टर ए जो हैं उनको पेमेंट रिसीव करनी है मिस्टर बी से, और मिस्टर बी इज ऑब्लाइज्ड टू मेक पेमेंट टू मिस्टर ए. लेकिन मिस्टर बी के पास अभी कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, सो ही वांट्स अ क्रेडिट पीरियड. उधार का उनको टाइम चाहिए 1 महीने का, क्योंकि उनके पास अभी कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है. सो जो मिस्टर बी हैं वो एक प्रॉमिसरी नोट क्रिएट करते हैं इन फेवर ऑफ मिस्टर ए. यहाँ पे मैंने स्पेसिमेन बनाया है प्रॉमिसरी नोट का, जिसमें कि मिस्टर बी क्या कह रहे हैं कि 1 month आफ्टर डेट, इस डेट से 1 महीने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मिस्टर ए को या फिर उनके ऑर्डर को 1500 रुपीज विद इंटरेस्ट पे करूँगा. नाउ व्हाट इज मिस्टर ए और ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि मिस्टर बी या तो मिस्टर ए को पेमेंट कर देंगे, या फिर मिस्टर ए ने अगर इस प्रॉमिसरी नोट को एंडोर्स कर दिया किसी और को, तो जिसको उन्होंने एंडोर्स किया है उस पर्सन को वो पेमेंट करेंगे. मिस्टर ए और ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब मैंने आपको पिछली दो क्लासेस में भी समझाया था कि ऑर्डर चेक और बियरर चेक में क्या डिफरेंस होता है, कि मिस्टर ए अगर इस प्रॉमिसरी नोट को आगे किसी और को एंडोर्स कर देते हैं तो मिस्टर बी विल बी लायबल टू पे द ऑर्डर ऑफ मिस्टर बी ₹1500. इस प्रॉमिसरी नोट को यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर प्लेस एंड डेट, ये डेट और अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना इज मैंडेटरी. और नीचे मिस्टर बी, क्योंकि वो इस प्रॉमिसरी नोट के मेकर हैं, तो मिस्टर बी यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स कर देंगे और साथ में यहाँ पर एक स्टैम्प लगा देंगे. स्टैम्प लगाना इज मैंडेटरी इन एनी काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इन केस अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट नहीं कर पाते तो मिस्टर ए तभी मिस्टर बी को स्यू कर पाएंगे अगर ये प्रॉमिसरी नोट स्टैम्प्ड होगा. सो स्टैम्प जो है वो एक लीगल वैलिडिटी देती है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को. फाइन, सो दिस इज द मॉडल ऑफ प्रॉमिसरी नोट. अब क्योंकि हमें ये मॉडल समझ में आ गया है, तो हम अब इसके प्रॉमिसरी नोट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जो एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए. अनकंडीशनल मींस कि प्रॉमिसरी नोट में किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखें आप. आई प्रॉमिस टू पे ₹1500 10 days आफ्टर आई गेट मैरिड टू सी. मिस्टर ए कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पे बी को 1500 रुपीज की पेमेंट कर दूंगा अगर मेरी मैरिज सी से हो गई, उसके 10 दिन बाद कर दूंगा. ये क्या है, यहाँ पे उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर मेरी शादी सी से हो गई तो ही मैं 1500 रुपीज की पेमेंट करूंगा. सिंस ऐसे प्रॉमिसरी नोट में कंडीशन है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉमिसरी नोट नहीं कह सकते. जो प्रॉमिसरी नोट है वो बिना शर्त का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए. सेकेंड इज, इट इज ऑलवेज इन राइटिंग. एक रिटन इंस्ट्रूमेंट को ही हम प्रॉमिसरी नोट कह सकते हैं. अगर आपने कोई वर्बल प्रॉमिस किया है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट. थर्ड इज, इट हैज टू बी मेड एंड साइंड बाय द डेटर. डेटर कौन है, देनदार. हमारे मॉडल में डेटर कौन है, हमारे मॉडल में डेटर है बी.
तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये डेटर क्रिएट करता है, ये क्रेडिटर क्रिएट नहीं करता. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्रॉमिसरी नोट इज मेड एज पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन. इसमें पर्सन का नेम मेंशन्ड होना जरूरी है. नेक्स्ट इंडियन करेंसी में होना चाहिए. अगर ये जो करेंसी का अमाउंट है ये फॉरेन करेंसी में है तो वो प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा. प्रॉमिसरी नोट के ऊपर स्टैम्पिंग जरूरी है. बिना स्टैम्प का प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं रहेगा. जो करेंसी नोट्स हैं जैसे 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 2000 का नोट, ये सब नोट्स जो करेंसी नोट्स हैं दे आर नॉट प्रॉमिसरी नोट्स. जो प्रॉमिसरी नोट है वो स्पेसिफाइड सम के लिए होना चाहिए. जो अमाउंट है वहां पे मेंशन्ड होना चाहिए. अनसर्टेन अमाउंट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट नहीं कहलाएगा. एंड द लास्ट इज द कंसिडरेशन नीड नॉट बी मेंशन्ड. मतलब क्या है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर गुड्स सेल करे हैं तो यहाँ पे कौन से गुड्स सेल करे हैं प्रॉमिसरी नोट में ये मेंशन करना जरूरी नहीं है. अगर आपने अमाउंट मेंशन कर दिया दैट इज इनफ. अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, आई थिंक डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगी. डेफिनेशन आपको दे रखी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के सेक्शन 4 में. सेक्शन 4 में क्या लिखा है कि प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है. फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रिटन में होना चाहिए. कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग. अनकंडीशनल का मतलब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में समझा चुकी हूँ. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको समझाया था अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि इसमें कोई किसी तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए. बिना शर्त का आप कोई वचन दे रहे हो किसी को. साइंड बाय द मेकर, जो बनाता है उसके यहाँ पे सिग्नेचर्स होने चाहिए. टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, और इस इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा होगा, क्या प्रॉमिस है, क्या अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, किस तरह की अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है. ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है कि वो सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन मतलब एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा. किसे? टू द क्रेडिटर. फाइन, सो पार्टीज कितनी हुई प्रॉमिसरी नोट की? पार्टीज कितनी हुई? दो पार्टीज हैं यहाँ पर, ओनली टू पार्टीज. वन इज द मेकर एंड अदर इज द पे. मेकर कौन है? जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, ड्रॉ करता है. जो डेटर है वो मेकर है यहाँ पर. और पे कौन है? जो क्रेडिटर है, दैट इज पे इन प्रॉमिसरी नोट. सो देर आर ओनली टू पार्टीज इन प्रॉमिसरी नोट. वन इज द मेकर एंड अदर इज द पे. सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट. डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करना, इसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा आपको. अदरवाइज आप ये मॉडल को ध्यान में रख लें तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसी में से निकल के आएंगे और आपकी डेफिनेशन भी इसी में से निकल के आएगी. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सो दैट आप इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सको. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. फाइन.